Islamic students how are you all hope you are in good health and in good mood students uh, we are going to study safe drinking water part six uh, dear students purification of drinking water is our topic today and before this we have uh, discussed all about safe drinking water like um, I will show you here. हा डज वाटर बिकम इम प्योर वट इज राटर हा मच प्योर इज राटर अंडर ग्राउंड वाटर मे बी यूज फार ड्रंकिंग एग्रीकलचर हा एंड लिटर वी आल्सो सटडी अबाउट ड्रंकिंग वाटर करंकिंग वाटर एंड ना टुडेज टॉपिक इज प्यूरफिकेशन आफ ड्रिंकिंग वाटर सो लेट्स बिकिन प्यूरफिकेशन आफ वाटर फार ड्रंकिंग पर्पज इन्वाल्वज तो बचो जो प्यूरफिकेश दिस इज फार क्लस फोर्थ ई वी एस बुक एंड चैप्टर नंबर इज़ सिक्स एंड पेज नंबर इज़ फिफ्टी तो बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं फ्यूरफेष ड्रिंकिंग वाटर आज इसमें पढ़ेंगे कि रिमूवर सस्पेंड आर इन्बल इम्प्योरिटीज एंड डिस्ट्रोइ हार्मफुल जर्मस एंड बैक्टीरिया तो पहले हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड और इंसॉलेबल इम्प्योरिटीज़ कैसे होता है लाइक इंसॉलेबल इंप्योरिटीज़ वाटर कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन एडिशन ऑफ लिटिल एलम टू एमप्योर वाटर इन सेटिंग डाउन फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ मंड एंड अदर इम्योरटीज़ दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन दिस वाटर इज देन फिल्टर टू रिमूव इनसोलेबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम इट तो प्यारे बच्चों जो ये हमारा मतलब पीने का पानी होता है जब मैंने आपको बोला ये किसी भी नेचुरल सोर्स से हो ये उसमें प्योर फॉर्म में मतलब आई मीट से प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता है ये होता है फ्यवर मट इतना ज़्यादा प्योर नहीं होता है कि हम इसको आसानी से पी सकें और इस और कोई डिजीज़ भी नहीं हो क्योंकि इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज़ होती हैं कुछ जर्मज होते हैं कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं अब जो प्योरिफिकेशन हम करते हैं वाटर की उसके बाद हम इसको ड्रिंक करते हैं लाइक आप घर पर भी आप देखते हो हम पानी जब नल से लेते हैं किसी भी चाहे टैप वाटर हो चाहे वेल वाटर हो उसको हम यूजली हम बॉयल करते हैं बॉयलिंग से क्या हो जाता है तो उससे जर्म्स मर जाते हैं तो ऐसे ही साइंटिफिकली इसके कुछ मेथड्स है इफ़ वाटर प्योरीफाई करने के ओनली मतलब बॉयलिंग मतलब एवरीथिंग नहीं है ओनली आप सोचोगे कि हम बॉयल करेंगे तो सारा पानी बिल्कुल क्लियर हो गया तो वो नहीं है बल्कि इसके दो स्टेप्स हैं एक है रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड वाले दो पार्टिकल जैसे आप थोड़ी सी छोटी छोटी कुछ दिखता है छोटे से इसमें कुछ गंदगी है पहले वो तो ये कैसे होता है हम जो पानी लाएंगे या हमारी बाल्टी में पानी है इसको फिल्ट्रेशन करते हैं या टैंक में पानी है तो इसको फिल्ट्रेशन इसमें एक थोड़ा सा अलम फटकरी जो जिसको बोलते हैं या फटकर छोटी सी फटकरी की जो छोटी सी टिकिया आती है ये वाटर के अमाउंट के हिसाब से अगर बड़ा टैंक होगा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा वो डाल देते हैं उसमें जो भी गंदगी होती है उसकी वजह से ये नीचे वो उसको थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं और ये सेटल हो जाती है बॉटम पे ठीक है इसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन दिस वाटर इज दैन फिल्टर टू इनसॉल एम्ब्रोटीज फ्राम इट अब जो ये वाली फिल्ट्रेशन का ये स्टेप हो गया इसमें वो पार्टिकलर जो हमें आँख से दिखते हैं छोटे छोटे वो गंदगी तो वो नीचे बॉटम पर रहते हैं तो ये एक फिल्ट्रेशन का ये स्टेप है फिर है फिल्ट्रेशन का से, सेकेंड स्टेप जिसमें इनसॉलेबल इम्यूनिटीज होती है ठीक है तो अब इन साल एट होम वाटर फिल्टर बाई सिरामिक वाटर फिल्टर सम काइंड वाटर वाटर अवेलेबल कैन बी फिटेड विद टैप पास द फिल्टर एंड प्योरीफाइज वैसल अब जब घर पर हम आपको बताए आर ओ होता है एक्वा प्योर फ्यवर कुछ भी जो भी मतलब बहुत सारी किस्मों के प्योरेट वाटर फिल्टर्स होते हैं सिरामिक वाटर फिल्टर्स होते हैं कॉपर वाटर फिल्टर्स होते हैं तो ये जब घर में वाटर फिल्टर होते हैं या एक वाटर फिल्टर वो बिजली पे चलता है वो बिल्कुल टैप जो टैंक आती है वहाँ से टैप के साथ ही लगा है फिर उसमें जो भी पानी निकलता है वो क्लियर निकलता है तो वैसे बहुत सारे फिल्टर से जो वो निकालती है जो इंसॉलिबल होती है ठीक है अब ऑन ए लार्ज स्केल वाटर ऑफ ऑफ द रिवर इज पासिंग थ्रू सैंड पेबल्स ग्रेवल एंड चारकोल अब जब ज्यादा जो प्लांट होते जब बोटल वाटर जो कमर्शियल यूज होता है वो वाटर फिल्टर करना होता है बच्चों तो आपको पता है उसको कैसे किया जाता है उसको बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है लाइक like, वो लैक वाटर या रिवर वाटर पहले लेंगे उसके बाद उसको पास करेंगे सैंड रेत से पेबल से ग्रेवल से चारकोल से ताकि स्टेप उस बाई स्टेप उसकी जो भी इम्पेक्टीज होती है वो ख़त्म हो जाए और वो वाटर पीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाए अब है सेकंड के डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया जो जर्मस होती है और जो बैक्टीरिया होते हैं अब वो कैसे मतलब डिस्ट्रॉय हम करेंगे क्योंकि अब इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है इंसॉलेबल पार्टिकल्स है वो तो हमने किए खत्म अब उसमें जो जर्मस है वो कैसे करें इसके लिए फ़िल्टर्ड वाटर डो नॉट कंटेन इंसॉलेबल इम्बट इट लुक्स क्लीन येट इट मे कंटेन हार्मफुल जर्मज एंड बैक्टीरिया टू तो डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्मस एंड बैक्टीरिया द तो फॉलोइंग मेथड तो यूजर अब आपको पता है बच्चों की जर्मज और बैक्टीरिया वो नहीं दिखते हमें जो कुछ हमें दिखता है वो हमने साफ़ किया या हम उसको मतलब नॉर्मली घर पे फिल्टर में जब डालते हैं वहाँ से निकालेंगे या अपनी कोई लोग मतलब नॉर्मल जो घर पे फिल्ट्रेशन होते हैं वो करेंगे लेकिन यहाँ कमर्शली भी वो फिल्टर होता है लेकिन जो जर्म्स होती है उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे तो पहला प्रोसेस है उसके लिए अगेंस कॉल्ड क्लोरिन पॉट थ्रू द फ़िल्टर्ड वाटर हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया कुलर डिस प्रोसेस नोन एज क्लोरीनेशन वेल वाटर इज बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट मैगनेट सब्सटेंसेस आल्सो किल जर्म्स पहले उस स्टेप में हम क्लोरीनेशन करेंगे जो पानी होता है इसमें क्लोरीन मतलब एक गैस है क्लोरीन वो पास हो जाता है वो तो हम नॉर्मली घर पे नहीं कर सकते घर पे हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बोलूँगी इसके बाद लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे जो बोटल्ड वाटर या वाटर वाटर प्लांट जो होता है वहाँ पे होता है तो जो भी क्लोरीन गैस इसमें से पास किया जाता है पानी से तो इसमें जो भी बैक्टर होते हैं वो किल हो जाते हैं इसको क्लोरीनेशन बोलते हैं और जब हम घर पर करते हैं हमें वेल वाटर हो या टैप वाटर हो उसको ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम पर पाउडर उसमें ऐड किया जाता है ये भी जर्मस्किल होता है ये हम सीधे टैंक में भी डाल सकते हैं और जो भी सोर्स हो वो घर में वाटर का वेल में भी डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद है एरेशन तो एरेशन हम दूसरे इसमें टॉप मतलब ये टॉपिक हम दूसरे पीरियड में पढ़ेंगे क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थैंक्स बच्चों इतना हमने पढ़ा आज तो आ, प्लीज़ इसको वीडियो को आप अच्छे से देखना और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना